सोलन कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 59वां जन्मदिन कथेड़ स्थित ओपन शेल्टर फॉर गर्ल्स के बच्चों के साथ मनाया और इस मौके पर सोलन शहरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जतिन साहनी और कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही असहाय बच्चों के लिए कमेटी का गठन कर 1 करोड़ रुपए के फंड का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस फंड का उद्देश्य इन असहाय बच्चों की बेहतर देखरेख के लिए किया जाएगा। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष में आज हम कांग्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष में यहाँ ओपन शेल्टर कथेड़ में बच्चों के लिए मिठाई, फल, बिस्किट एवं जूस वगैरह इत्यादि बच्चों के लिए दिया, ताकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हमारे साथ ये जो बच्चे हैं ये भी मना सके और हम इसकी खुशी जाहिर कर सके। ओपन शेल्टर में छोटे बच्चों के साथ हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जन्मदिन में यहाँ पे विचार विभाग, हिमाचल विचार विभाग जो कांग्रेस का है, हमारा विंग है, उसकी ओर से बच्चों को मिठाइयाँ और उनके साथ हमने सुक्खू जी का जन्मदिन मनाया। क्योंकि सुक्खू जी का यही मैसेज है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखरेख बहुत अच्छे से हो, जो मैसेज वो शुरू में ही लेके आए उसी की गाइडलाइंस में हम भी अपने शहर में अपने कथेड़ वासियों की जो यहाँ पे है ओपन शेल्टर उसमें बच्चों के साथ जुड़े और हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो ये काम हो रहा है और इसको हम आइंदा भी इसके साथ जुड़े रहेंगे। इधर हमीरपुर में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने कार्यों की शुरुआत की है वैसे ही वे आगे भी जारी रखें ताकि इसका लाभ प्रदेश को मिल सके। रक्तदान शिविर जो यहाँ इंटेक के माध्यम से किया रहा है और हमीरपुर में और प्रदेश में कई जगह में भी, नदौड़ में भी, भोरंज में भी माननीय मुख्यमंत्री की है कि उनकी उम्र हजारों साल हो और इस प्रदेश की सेवा में जिस तरह उन्होंने शुरुआत की है वो जो है वो आगे बढ़े और प्रदेश की जनता को उनकी सोच का, उनके काम का जो फायदा मिले। शिविर के दौरान रक्तदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया।